देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंसी गान किम योंग, होम मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी शनमुगन जी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, सिंगापुर बिजनेस जगत के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, मैं सोच रहा था कि जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है। और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं।